दोस्तों साल 2021 में रिलीज हुई नंदामूरी बालकृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति श्रीनू ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नंदामूरी बालकृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेघा, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का म्यूजिक एसएस थमन के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों पेन मूवीज़ की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। तो दोस्तों यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी टेलीविज़न पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर बालकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है, जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब समयग्रस्त हो जाते हैं जब वरदार जुलू श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण वरदार जुलू से भिड़ जाते हैं लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं तो अखंड बालकृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बल्लैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति श्रीनू ने डबल भूमिका में बल्लैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बल्लैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। अघोरा के रूप में बालैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है, चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बालैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की बीजीएम भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है।
सभी 9 एपिसोड के लिए थमन का बीजीएम अद्भुत है। प्रज्ञा जायसवाल को एक अच्छा रोल मिला है। अंतिम लेकिन कम से कम श्रीकांत नकारात्मक भूमिका में क्रूर है। वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से भी सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अखंड कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और भलैया अपने शानदार अभिनय से सजोने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। कहानी काफ़ी नीरस है और सेकंड हाफ में हिंसा ज़्यादा है। अखंडा एक ऐसी फिल्म है जिससे दर्शकों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसा कि सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म को आए काफ़ी समय हो गया है, जनता निश्चित रूप से इसे मूवी को ज़रूर सपोर्ट करेगी और यह मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप इस मूवी को देख सकते हो। यह तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार से हिंदी भाषा में देख पाओगे। दोस्तों जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की जाती है तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 में रिलीज हुई नंदामूरी बालकृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति श्रीनू ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नंदामूरी बालकृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेघा, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का म्यूजिक SS थामन के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है तो Disney+ हॉटस्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों पेन मूवीज की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों पेन मूवीज वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। तो दोस्तों यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी, टेलीविजन पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर बालकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है, जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब समयग्रस्त हो जाते हैं जब वरदार जुलू श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण
वरदार जुलूस से भिड़ जाते हैं, लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं तो अखंड बाला कृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में, तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बल्लैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति श्रीनु ने डबल भूमिका में बल्लैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बल्लैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं, लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। अघोरा के रूप में बल्लैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है, चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बल्लैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की BGM भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है। सभी उन्नयन एपिसोड के लिए थमन का BGM अद्भुत है। प्रज्ञा जायसवाल को एक अच्छा रोल मिला है। अंतिम लेकिन कम से कम श्रीकांत नकारात्मक भूमिका में क्रूर है, वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से भी सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अखंड कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया अपने शानदार अभिनय से सजोने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। कहानी काफ़ी नीरस है और सेकंड हाफ में हिंसा ज़्यादा है। अखंडा एक ऐसी फिल्म है जिससे दर्शकों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसा कि सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म को आए काफ़ी समय हो गया है, जनता निश्चित रूप से इसे मूवी को ज़रूर सपोर्ट करेगी और यह मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप इस मूवी को देख सकते हो। यह तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार से हिंदी भाषा में देख पाओगे। दोस्तों जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की जाती है तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 में रिलीज हुई नंदामूरी बाला कृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति श्रीनु ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नंदामूरी बाला कृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेघा, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का म्यूजिक SS थमन के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।
इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों पेन मूवीज़ की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। तो दोस्तों यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी टेलीविज़न पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर बालाकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब समयग्रस्त हो जाते हैं जब वरदार जुलू श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण वरदार जुलू से भिड़ जाते हैं लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं तो अखंड बाला कृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बल्लैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति श्रोणू ने डबल भूमिका में बल्लैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बल्लैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। अघोरा के रूप में बालैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है, चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बालैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की BGM भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है। सभी उन्नयन एपिसोड के लिए थमन का BGM अद्भुत है। प्रज्ञा जायसवाल को एक अच्छा रोल मिला है। अंतिम लेकिन कम से कम श्रीकांत नकारात्मक भूमिका में क्रूर है, वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से भी सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अखंड कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया अपने शानदार अभिनय से सजोने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। कहानी काफ़ी नीरस है और सेकंड हाफ में हिंसा ज़्यादा है। अखंडा एक ऐसी फिल्म है जिससे दर्शकों को दिक्कत हो सकती है लेकिन जैसा कि सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म को आए काफ़ी समय हो गया है, जनता निश्चित रूप से इसे मूवी को ज़रूर सपोर्ट करेगी और यह मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों आप इस मूवी को देख सकते हो। यह तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार से हिंदी भाषा में देख पाओगे। दोस्तों जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की जाती है तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 में रिलीज हुई नंदामूरी बालाकृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी
दिया है। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति श्रीनू ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नंदामूरी बालाकृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेका, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का म्यूजिक एसएस थमन के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों पेन मूवीज़ की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। तो दोस्तों यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी टेलीविज़न पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर बालाकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है, जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब समयग्रस्त हो जाते हैं जब वरदार जुलू श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण वरदार जुलू से भिड़ जाते हैं लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं तो अखंड बालाकृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बल्लैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति श्रीनू ने डबल भूमिका में बल्लैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बल्लैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। अघोरा के रूप में बालैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है, चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बालैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की BGM भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है। सभी उन्नयन एपिसोड के लिए थमन का BGM अद्भुत है। प्रज्ञा जायसवाल को एक अच्छा रोल मिला है। अंतिम लेकिन कम से कम श्रीकांत नकारात्मक भूमिका में क्रूर है, वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से भी सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अखंड कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया अपने शानदार अभिनय से सजोने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। कहानी काफ़ी नीरस है और सेकंड हाफ में हिंसा ज़्यादा है। अखंडा एक ऐसी फिल्म है जिससे दर्शकों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसा कि सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म को आए काफ़ी समय हो गया है, जनता निश्चित रूप से इसे मूवी को ज़रूर सपोर्ट करेगी और यह मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों आप इस मूवी को देख सकते हो। यह
तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार से हिंदी भाषा में देख पाओगे। दोस्तों जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की जाती है तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 में रिलीज हुई नंदामूरी बालकृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति श्रीनू ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नंदामूरी बालकृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेघा, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का म्यूजिक SS थामन के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों पेन मूवीज की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों पेन मूवीज वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। दोस्तों यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी टेलीविजन पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर बालकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है, जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब समयग्रस्त हो जाते हैं जब वरदार जुलू श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण वरदार जुलू से भिड़ जाते हैं लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं तो अखंड बालकृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बल्लैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति श्रीनू ने डबल भूमिका में बल्लैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बल्लैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है।
अघोरा के रूप में बालैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है। चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बालैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की BGM भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है। सभी 9 एपिसोड के लिए थमन का BGM अद्भुत है। प्रज्ञा जायसवाल को एक अच्छा रोल मिला है। अंतिम लेकिन कम से कम श्रीकांत नकारात्मक भूमिका में क्रूर है। वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से भी सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अखंड कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बालैया अपने शानदार अभिनय से सजोने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। कहानी काफ़ी नीरस है और सेकंड हाफ में हिंसा ज़्यादा है। अखंडा एक ऐसी फिल्म है जिससे दर्शकों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसा कि सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म को आए काफ़ी समय हो गया है, जनता निश्चित रूप से इसे मूवी को ज़रूर सपोर्ट करेगी और यह मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप इस मूवी को देख सकते हो। यह तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार से हिंदी भाषा में देख पाओगे। दोस्तों जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की जाती है तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 में रिलीज हुई नंदामूरी बालकृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति श्रीनू ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नंदामूरी बालकृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेघा, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का म्यूजिक SS थामन के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है तो Disney+ हॉटस्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों पेन मूवीज़ की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। तो दोस्तों यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी, टेलीविज़न पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर बालकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है, जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब
समयग्रस्त हो जाते हैं जब वरदार जुलू श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण वरदार जुलू से भिड़ जाते हैं लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं तो अखंड बाला कृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में, तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बल्लैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति सोनू ने डबल भूमिका में बल्लैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बल्लैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। अघोरा के रूप में बल्लैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है, चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बल्लैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की BGM भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है। सभी उन्नयन एपिसोड के लिए थमन का BGM अद्भुत है। प्रज्ञा जायसवाल को एक अच्छा रोल मिला है। अंतिम लेकिन कम से कम श्रीकांत नकारात्मक भूमिका में क्रूर है, वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से भी सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अखंड कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया अपने शानदार अभिनय से सजोने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। कहानी काफ़ी नीरस है और सेकंड हाफ में हिंसा ज़्यादा है। अखंडा एक ऐसी फिल्म है जिससे दर्शकों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसा कि सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म को आए काफ़ी समय हो गया है, जनता निश्चित रूप से इसे मूवी को ज़रूर सपोर्ट करेगी और यह मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप इस मूवी को देख सकते हो। यह तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार से हिंदी भाषा में देख पाओगे। दोस्तों जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की जाती है तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 में रिलीज हुई नंदामूरी बाला कृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति सोनू ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नंदामूरी बाला कृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेघा, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का म्यूजिक SS थमन के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है
तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, तो दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में, तो दोस्तों पेन मूवीज़ की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। तो दोस्तों यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी टेलीविज़न पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर बालाकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है, जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब समयग्रस्त हो जाते हैं जब वरदार जुलू श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण वरदार जुलू से भिड़ जाते हैं लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं तो अखंड बालाकृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में, तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बल्लैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति सरूनो ने डबल भूमिका में बल्लैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बल्लैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। अघोरा के रूप में बालैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है, चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बालैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की BGM भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है। सभी उन्नयन एपिसोड के लिए थमन का BGM अद्भुत है। प्रज्ञा जायसवाल को एक अच्छा रोल मिला है। अंतिम लेकिन कम से कम श्रीकांत नकारात्मक भूमिका में क्रूर है, वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से भी सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अखंड कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया अपने शानदार अभिनय से सजोने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। कहानी काफ़ी नीरस है और सेकंड हाफ में हिंसा ज़्यादा है। अखंडा एक ऐसी फिल्म है जिससे दर्शकों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसा कि सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म को आए काफ़ी समय हो गया है, जनता निश्चित रूप से इसे मूवी को ज़रूर सपोर्ट करेगी और यह मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप इस मूवी को देख सकते हो। यह तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार से हिंदी भाषा में देख पाओगे। दोस्तों जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की जाती है तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 में रिलीज हुई नंदामूरी बालाकृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में,
तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति श्रीनू ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नंदामूरी बालाकृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेघा, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का म्यूजिक SS थमन के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों पेन मूवीज की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों पेन मूवीज वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। दोस्तों यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी टेलीविजन पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर बालाकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है, जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब समयग्रस्त हो जाते हैं जब वरदार जुलू श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण वरदार जुलू से भिड़ जाते हैं लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं तो अखंड बालाकृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बल्लैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति श्रीनू ने डबल भूमिका में बल्लैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बल्लैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। अघोरा के रूप में बालैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है, चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बालैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की BGM भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है। सभी उन्नयन एपिसोड के लिए थमन का BGM अद्भुत है। प्रज्ञा जायसवाल को एक अच्छा रोल मिला है। अंतिम लेकिन कम से कम श्रीकांत नकारात्मक भूमिका में क्रूर है, वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से भी सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अखंड कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया अपने शानदार अभिनय से सजोने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। कहानी काफ़ी नीरस है और सेकंड हाफ में हिंसा ज़्यादा है। अखंडा एक ऐसी फिल्म है जिससे दर्शकों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसा कि सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म को आए काफ़ी समय हो गया है, जनता निश्चित रूप से इसे मूवी को ज़रूर सपोर्ट करेगी और यह मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों आप इस मूवी को देख सकते हो। यह
तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार से हिंदी भाषा में देख पाओगे। दोस्तों जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की जाती है तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 में रिलीज हुई नंदामूरी बालकृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति श्रीनू ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नंदामूरी बालकृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेघा, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का म्यूजिक SS थामन के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों पेन मूवीज की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों पेन मूवीज वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। तो दोस्तों यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी टेलीविजन पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर बालकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है, जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब समयग्रस्त हो जाते हैं जब वरदार जुलू श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण वरदार जुलू से भिड़ जाते हैं लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं तो अखंड बालकृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बल्लैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति श्रीनू ने डबल भूमिका में बल्लैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बल्लैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है।
अघोरा के रूप में बालैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है, चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बालैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की BGM भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है। सभी उन्नयन एपिसोड के लिए थमन का BGM अद्भुत है। प्रज्ञा जायसवाल को एक अच्छा रोल मिला है। अंतिम लेकिन कम से कम श्रीकांत नकारात्मक भूमिका में क्रूर है। वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से भी सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर अखंड कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बालैया अपने शानदार अभिनय से सजोने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। कहानी काफ़ी नीरस है और सेकंड हाफ में हिंसा ज़्यादा है। अखंडा एक ऐसी फिल्म है जिससे दर्शकों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसा कि सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म को आए काफ़ी समय हो गया है, जनता निश्चित रूप से इसे मूवी को ज़रूर सपोर्ट करेगी और यह मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप इस मूवी को देख सकते हो। आप इस मूवी को इस प्रकार से हिंदी भाषा में देख पाओगे। दोस्तों, जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की जाती है तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, साल 2021 में रिलीज हुई नंदामूरी बालकृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति श्रीनू ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नंदामूरी बालकृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेघा, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक SS थमन के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों, अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है तो Disney+ हॉटस्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों, वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों, पेन मूवीज़ की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों, पेन मूवीज़ वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। तो दोस्तों, यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी, टेलीविज़न पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में
तो इस मूवी के अंदर बालाकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है, जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब समयग्रस्त हो जाते हैं जब वरदारजुलु श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण वरदारजुलु से भिड़ जाते हैं, लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं, तो अखंड बालाकृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों, बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में, तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बल्लैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति सोनु ने डबल भूमिका में बल्लैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बल्लैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं, लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। अघोरा के रूप में बालैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है, चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बालैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की BGM भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है। सभी उन्नयन एपिसोड के लिए थमन का BGM अद्भुत है। प्रज्ञा जायसवाल को एक अच्छा रोल मिला है। अंतिम लेकिन कम से कम श्रीकांत नकारात्मक भूमिका में क्रूर है। वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से भी सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर अखंड कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया अपने शानदार अभिनय से सजोने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। कहानी काफ़ी नीरस है और सेकंड हाफ में हिंसा ज़्यादा है। अखंडा एक ऐसी फिल्म है जिससे दर्शकों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसा कि सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म को आए काफ़ी समय हो गया है, जनता निश्चित रूप से इसे मूवी को ज़रूर सपोर्ट करेगी और यह मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप इस मूवी को देख सकते हो। आप इस मूवी को इस प्रकार से हिंदी भाषा में देख पाओगे। दोस्तों, जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की जाती है, तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, साल 2021 में रिलीज हुई नंदामूरी बालाकृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति सोनु ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो नंदामूरी बालाकृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेघा, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक SS थमन के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉक
ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों पेन मूवीज की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों पेन मूवीज वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। दोस्तों यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी टेलीविजन पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर बालकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब समयग्रस्त हो जाते हैं जब वरदार जुलू श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण वरदार जुलू से भिड़ जाते हैं लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं तो अखंड बालकृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बल्लैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति श्रीनु ने डबल भूमिका में बल्लैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बल्लैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। अघोरा के रूप में बल्लैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है, चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बल्लैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की BGM भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है। सभी उन्नयन एपिसोड के लिए थमन का BGM अद्भुत है। प्रज्ञा जायसवाल को एक अच्छा रोल मिला है। अंतिम लेकिन कम से कम श्रीकांत नकारात्मक भूमिका में क्रूर है, वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से भी सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अखंड कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया अपने शानदार अभिनय से सजोने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। कहानी काफ़ी नीरस है और सेकंड हाफ में हिंसा ज़्यादा है। अखंडा एक ऐसी फिल्म है जिससे दर्शकों को दिक्कत हो सकती है लेकिन जैसा कि सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म को आए काफ़ी समय हो गया है, जनता निश्चित रूप से इसे मूवी को ज़रूर सपोर्ट करेगी और यह मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों आप इस मूवी को देख सकते हो। यह तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार से हिंदी भाषा में देख पाओगे। दोस्तों जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की जाती है तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 में रिलीज हुई नंदामूरी बालकृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए
कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति श्रीनू ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नंदामूरी बालाकृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेघा, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का म्यूजिक SS थामन के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों पेन मूवीज़ की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। तो दोस्तों यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी टेलीविज़न पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर बालाकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है, जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब समयग्रस्त हो जाते हैं जब वरदार जुलू श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण वरदार जुलू से भिड़ जाते हैं लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं तो अखंड बालाकृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बल्लैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति श्रीनू ने डबल भूमिका में बल्लैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बल्लैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। अघोरा के रूप में बालैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है, चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बालैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की BGM भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है। सभी उन्नयन एपिसोड के लिए थमन का BGM अद्भुत है। प्रज्ञा जायसवाल को एक अच्छा रोल मिला है। अंतिम लेकिन कम से कम श्रीकांत नकारात्मक भूमिका में क्रूर है, वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से भी सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अखंड कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया अपने शानदार अभिनय से सजोने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। कहानी काफ़ी नीरस है और सेकंड हाफ में हिंसा ज़्यादा है। अखंडा एक ऐसी फिल्म है जिससे दर्शकों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसा कि सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म को आए काफ़ी समय हो गया है, जनता निश्चित रूप से इसे मूवी को ज़रूर सपोर्ट करेगी और यह मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों आप इस मूवी को देख सकते हो। यह
तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार से हिंदी भाषा में देख पाओगे। दोस्तों जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की जाती है तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 में रिलीज हुई नंदामूरी बालकृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति श्रीनू ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नंदामूरी बालकृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेघा, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का म्यूजिक एसएस थामन के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों पेन मूवीज़ की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। तो दोस्तों यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी टेलीविज़न पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर बालकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है, जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब समयग्रस्त हो जाते हैं जब वरदार जुलू श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण वरदार जुलू से भिड़ जाते हैं लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं तो अखंड बालकृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बल्लैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति श्रीनू ने डबल भूमिका में बल्लैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बल्लैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है।
अघोरा के रूप में बालैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है। चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बालैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की BGM भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है। सभी उन्नयन एपिसोड के लिए थमन का BGM अद्भुत है। प्रज्ञा जायसवाल को एक अच्छा रोल मिला है। अंतिम लेकिन कम से कम श्रीकांत नकारात्मक भूमिका में क्रूर है। वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से भी सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अखंड कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बालैया अपने शानदार अभिनय से सजोने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। कहानी काफ़ी नीरस है और सेकंड हाफ में हिंसा ज़्यादा है। अखंडा एक ऐसी फिल्म है जिससे दर्शकों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसा कि सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म को आए काफ़ी समय हो गया है, जनता निश्चित रूप से इसे मूवी को ज़रूर सपोर्ट करेगी और यह मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप इस मूवी को देख सकते हो। यह तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार से हिंदी भाषा में देख पाओगे। दोस्तों जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की जाती है तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 में रिलीज हुई नंदामूरी बालकृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति श्रीनू ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नंदामूरी बालकृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेघा, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का म्यूजिक SS थमन के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों पेन मूवीज की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों पेन मूवीज वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। तो दोस्तों यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी टेलीविजन पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर बालकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है, जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब
समयाग्रस्त हो जाते हैं जब वरदार जुलू श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण वरदार जुलू से भिड़ जाते हैं लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं तो अखंड बाला कृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बल्लैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति सोनू ने डबल भूमिका में बल्लैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बल्लैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। अघोरा के रूप में बल्लैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है, चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बल्लैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की BGM भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है। सभी उन्नयन एपिसोड के लिए थमन का BGM अद्भुत है। प्रज्ञा जायसवाल को एक अच्छा रोल मिला है। अंतिम लेकिन कम से कम श्रीकांत नकारात्मक भूमिका में क्रूर है, वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से भी सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अखंड कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया अपने शानदार अभिनय से सजोने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। कहानी काफ़ी नीरस है और सेकंड हाफ में हिंसा ज़्यादा है। अखंडा एक ऐसी फिल्म है जिससे दर्शकों को दिक्कत हो सकती है लेकिन जैसा कि सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म को आए काफ़ी समय हो गया है, जनता निश्चित रूप से इसे मूवी को ज़रूर सपोर्ट करेगी और यह मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों आप इस मूवी को देख सकते हो। यह तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार से हिंदी भाषा में देख पाओगे। दोस्तों जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की जाती है तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 में रिलीज हुई नंदामूरी बाला कृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति सोनू ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नंदामूरी बाला कृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेघा, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का म्यूजिक SS थामन के द्वारा दिया गया है जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है
तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, तो दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में, तो दोस्तों पेन मूवीज़ की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। तो दोस्तों यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी टेलीविज़न पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर बालाकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब समयग्रस्त हो जाते हैं जब वरदार जुलू श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण वरदार जुलू से भिड़ जाते हैं लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं तो अखंड बाला कृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में, तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बल्लैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति श्रीनु ने डबल भूमिका में बल्लैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बल्लैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। अघोरा के रूप में बालैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है, चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बालैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की BGM भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है। सभी उन्नयन एपिसोड के लिए थमन का BGM अद्भुत है। प्रज्ञा जायसवाल को एक अच्छा रोल मिला है। अंतिम लेकिन कम से कम श्रीकांत नकारात्मक भूमिका में क्रूर है, वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से भी सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अखंड कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया अपने शानदार अभिनय से सजोने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। कहानी काफ़ी नीरस है और सेकंड हाफ में हिंसा ज़्यादा है। अखंडा एक ऐसी फिल्म है जिससे दर्शकों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसा कि सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म को आए काफ़ी समय हो गया है, जनता निश्चित रूप से इसे मूवी को ज़रूर सपोर्ट करेगी और यह मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप इस मूवी को देख सकते हो। यह तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार से हिंदी भाषा में देख पाओगे। दोस्तों जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की जाती है तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 में रिलीज हुई नंदामूरी बालाकृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में,
तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति श्रीनू ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नंदामूरी बालाकृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेघा, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का म्यूजिक एसएस थमन के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों पेन मूवीज़ की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। तो दोस्तों यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी टेलीविज़न पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर बालाकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है, जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब समयग्रस्त हो जाते हैं जब वरदार जुलू श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण वरदार जुलू से भिड़ जाते हैं लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं तो अखंड बालाकृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बल्लैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति श्रीनू ने डबल भूमिका में बल्लैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बल्लैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। अघोरा के रूप में बालैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है, चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बालैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की बीजीएम भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है। सभी उन्नयन एपिसोड के लिए थमन का बीजीएम अद्भुत है। प्रज्ञा जायसवाल को एक अच्छा रोल मिला है। अंतिम लेकिन कम से कम श्रीकांत नकारात्मक भूमिका में क्रूर है, वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से भी सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अखंड कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया अपने शानदार अभिनय से सजोने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। कहानी काफ़ी नीरस है और सेकंड हाफ में हिंसा ज़्यादा है। अखंडा एक ऐसी फिल्म है जिससे दर्शकों को दिक्कत हो सकती है लेकिन जैसा कि सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म को आए काफ़ी समय हो गया है, जनता निश्चित रूप से इसे मूवी को ज़रूर सपोर्ट करेगी और यह मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों आप इस मूवी को देख सकते हो। यह तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार से हिंदी भाषा में देख पाओगे। दोस्तों जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की जाती है तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए।
मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 में रिलीज हुई नंदामूरी बालकृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति श्रीनू ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नंदामूरी बालकृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेघा, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का म्यूजिक SS थमन के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों पेन मूवीज की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों पेन मूवीज वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। दोस्तों यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी टेलीविजन पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर बालकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है, जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब समयग्रस्त हो जाते हैं जब वरदार जुलू श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण वरदार जुलू से भिड़ जाते हैं लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं तो अखंड बालकृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बल्लैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति श्रीनू ने डबल भूमिका में बल्लैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बल्लैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। अघोरा के रूप में बालैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है, चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बालैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं।
फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की BGM भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है। सभी 9 एपिसोड के लिए थमन का BGM अद्भुत है। प्रज्ञा जायसवाल को एक अच्छा रोल मिला है। अंतिम लेकिन कम से कम श्रीकांत नकारात्मक भूमिका में क्रूर है। वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से भी सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अखंड कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और भलैया अपने शानदार अभिनय से सजोने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। कहानी काफ़ी नीरस है और सेकंड हाफ में हिंसा ज़्यादा है। अखंडा एक ऐसी फिल्म है जिससे दर्शकों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसा कि सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म को आए काफ़ी समय हो गया है, जनता निश्चित रूप से इसे मूवी को ज़रूर सपोर्ट करेगी और यह मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप इस मूवी को देख सकते हो। यह तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार से हिंदी भाषा में देख पाओगे। दोस्तों जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की जाती है तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 में रिलीज हुई नंदामूरी बालकृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति श्रीनू ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नंदामूरी बालकृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेघा, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का म्यूजिक SS थमन के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है तो Disney+ हॉटस्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों पेन मूवीज़ की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। तो दोस्तों यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी टेलीविज़न पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर बालकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है, जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब समयग्रस्त हो जाते हैं जब वरदार जुलू श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण
वरदार जुलूस से भिड़ जाते हैं, लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं तो अखंड बाला कृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में, तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बल्लैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति सोनू ने डबल भूमिका में बल्लैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बल्लैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं, लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। अघोरा के रूप में बल्लैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है, चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बल्लैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की BGM भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है। सभी उन्नयन एपिसोड के लिए थमन का BGM अद्भुत है। प्रज्ञा जायसवाल को एक अच्छा रोल मिला है। अंतिम लेकिन कम से कम श्रीकांत नकारात्मक भूमिका में क्रूर है, वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से भी सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अखंड कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया अपने शानदार अभिनय से सजोने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। कहानी काफ़ी नीरस है और सेकंड हाफ में हिंसा ज़्यादा है। अखंडा एक ऐसी फिल्म है जिससे दर्शकों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसा कि सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म को आए काफ़ी समय हो गया है, जनता निश्चित रूप से इसे मूवी को ज़रूर सपोर्ट करेगी और यह मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप इस मूवी को देख सकते हो। यह तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार से हिंदी भाषा में देख पाओगे। दोस्तों जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की जाती है तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 में रिलीज हुई नंदामूरी बाला कृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति सोनू ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नंदामूरी बाला कृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेघा, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का म्यूजिक SS थमन के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉक
ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों पेन मूवीज़ की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। तो दोस्तों यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी टेलीविज़न पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर बालकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब समयग्रस्त हो जाते हैं जब वरदार जुलू श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण वरदार जुलू से भिड़ जाते हैं लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं तो अखंड बाला कृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बल्लैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति सोनु ने डबल भूमिका में बल्लैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बल्लैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। अघोरा के रूप में बालैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है, चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बालैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की BGM भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है। सभी उन्नयन एपिसोड के लिए थमन का BGM अद्भुत है। प्रज्ञा जायसवाल को एक अच्छा रोल मिला है। अंतिम लेकिन कम से कम श्रीकांत नकारात्मक भूमिका में क्रूर है, वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से भी सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अखंड कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया अपने शानदार अभिनय से सजोने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। कहानी काफ़ी नीरस है और सेकंड हाफ में हिंसा ज़्यादा है। अखंडा एक ऐसी फिल्म है जिससे दर्शकों को दिक्कत हो सकती है लेकिन जैसा कि सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म को आए काफ़ी समय हो गया है, जनता निश्चित रूप से इसे मूवी को ज़रूर सपोर्ट करेगी और यह मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों आप इस मूवी को देख सकते हो। यह तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार से हिंदी भाषा में देख पाओगे। दोस्तों जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की जाती है तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 में रिलीज हुई नंदामूरी बाला कृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए
कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति श्रीनू ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नंदामूरी बालाकृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेघा, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का म्यूजिक SS थामन के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों पेन मूवीज की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों पेन मूवीज वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। तो दोस्तों यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी टेलीविजन पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर बालाकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है, जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब समयग्रस्त हो जाते हैं जब वरदार जुलू श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण वरदार जुलू से भिड़ जाते हैं लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं तो अखंड बालाकृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बल्लैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति श्रीनू ने डबल भूमिका में बल्लैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बल्लैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। अघोरा के रूप में बालैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है, चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बालैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की BGM भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है। सभी उन्नयन एपिसोड के लिए थमन का BGM अद्भुत है। प्रज्ञा जायसवाल को एक अच्छा रोल मिला है। अंतिम लेकिन कम से कम श्रीकांत नकारात्मक भूमिका में क्रूर है, वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से भी सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अखंड कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया अपने शानदार अभिनय से सजोने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। कहानी काफ़ी नीरस है और सेकंड हाफ में हिंसा ज़्यादा है। अखंडा एक ऐसी फिल्म है जिससे दर्शकों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसा कि सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म को आए काफ़ी समय हो गया है, जनता निश्चित रूप से इसे मूवी को ज़रूर सपोर्ट करेगी और यह मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों आप इस मूवी को देख सकते हो। यह
तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार से हिंदी भाषा में देख पाओगे। दोस्तों जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की जाती है तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 में रिलीज हुई नंदामूरी बालकृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति श्रीनू ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नंदामूरी बालकृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेघा, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का म्यूजिक SS थामन के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों पेन मूवीज़ की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। तो दोस्तों यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी टेलीविज़न पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर बालकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है, जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब समयग्रस्त हो जाते हैं जब वरदार जुलू श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण वरदार जुलू से भिड़ जाते हैं लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं तो अखंड बालकृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बल्लैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति श्रीनू ने डबल भूमिका में बल्लैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बल्लैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है।
अघोरा के रूप में बालैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है, चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बालैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की BGM भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है। सभी उन्नयन एपिसोड के लिए थमन का BGM अद्भुत है। प्रज्ञा जायसवाल को एक अच्छा रोल मिला है। अंतिम लेकिन कम से कम श्रीकांत नकारात्मक भूमिका में क्रूर है। वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से भी सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अखंड कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बालैया अपने शानदार अभिनय से सजोने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। कहानी काफ़ी नीरस है और सेकंड हाफ में हिंसा ज़्यादा है। अखंडा एक ऐसी फिल्म है जिससे दर्शकों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसा कि सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म को आए काफ़ी समय हो गया है, जनता निश्चित रूप से इसे मूवी को ज़रूर सपोर्ट करेगी और यह मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप इस मूवी को देख सकते हो। यह तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार से हिंदी भाषा में देख पाओगे। दोस्तों जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की जाती है तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 में रिलीज हुई नंदामूरी बालकृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति श्रीनू ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नंदामूरी बालकृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेघा, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का म्यूजिक SS थमन के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है तो Disney+ हॉटस्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों पेन मूवीज़ की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। तो दोस्तों यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी टेलीविज़न पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर बालकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है, जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब
समयग्रस्त हो जाते हैं जब वरदारजुलू श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण वरदारजुलू से भिड़ जाते हैं लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं तो अखंड बाला कृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बल्लैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति सोनु ने डबल भूमिका में बल्लैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बल्लैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। अघोरा के रूप में बल्लैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है, चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बल्लैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की BGM भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है। सभी उन्नयन एपिसोड के लिए थमन का BGM अद्भुत है। प्रज्ञा जायसवाल को एक अच्छा रोल मिला है। अंतिम लेकिन कम से कम श्रीकांत नकारात्मक भूमिका में क्रूर है, वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से भी सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अखंड कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया अपने शानदार अभिनय से सजोने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। कहानी काफ़ी नीरस है और सेकंड हाफ में हिंसा ज़्यादा है। अखंडा एक ऐसी फिल्म है जिससे दर्शकों को दिक्कत हो सकती है लेकिन जैसा कि सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म को आए काफ़ी समय हो गया है, जनता निश्चित रूप से इसे मूवी को ज़रूर सपोर्ट करेगी और यह मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों आप इस मूवी को देख सकते हो, यह तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार से हिंदी भाषा में देख पाओगे। दोस्तों जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की जाती है तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 में रिलीज हुई नंदा मूरी बाला कृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति श्रीनु ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नंदा मूरी बाला कृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेघा, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का म्यूजिक SS थमन के द्वारा दिया गया है जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।
इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों पेन मूवीज की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों पेन मूवीज वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। तो दोस्तों यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी टेलीविजन पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर बालकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब समयग्रस्त हो जाते हैं जब वरदार जुलू श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण वरदार जुलू से भिड़ जाते हैं लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं तो अखंड बाला कृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बल्लैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति श्रीनु ने डबल भूमिका में बल्लैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बल्लैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। अघोरा के रूप में बल्लैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है, चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बल्लैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की BGM भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है। सभी उन्नयन एपिसोड के लिए थमन का BGM अद्भुत है। प्रज्ञा जायसवाल को एक अच्छा रोल मिला है। अंतिम लेकिन कम से कम श्रीकांत नकारात्मक भूमिका में क्रूर है, वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से भी सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अखंड कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया अपने शानदार अभिनय से सजोने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। कहानी काफ़ी नीरस है और सेकंड हाफ में हिंसा ज़्यादा है। अखंडा एक ऐसी फिल्म है जिससे दर्शकों को दिक्कत हो सकती है लेकिन जैसा कि सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म को आए काफ़ी समय हो गया है, जनता निश्चित रूप से इसे मूवी को ज़रूर सपोर्ट करेगी और यह मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों आप इस मूवी को देख सकते हो। यह तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार से हिंदी भाषा में देख पाओगे। दोस्तों जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की जाती है तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 में रिलीज हुई नंदामूरी बालकृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी
दिया है। दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति श्रीनू ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नंदामूरी बालाकृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेघा, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का म्यूजिक SS थामन के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों पेन मूवीज की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों पेन मूवीज वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। दोस्तों यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी टेलीविजन पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर बालाकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है, जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब समयग्रस्त हो जाते हैं जब वरदार जुलू श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण वरदार जुलू से भिड़ जाते हैं लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं तो अखंड बालाकृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बल्लैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति श्रीनू ने डबल भूमिका में बल्लैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बल्लैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। अघोरा के रूप में बालैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है, चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बालैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की BGM भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है। सभी उन्नयन एपिसोड के लिए थमन का BGM अद्भुत है। प्रज्ञा जायसवाल को एक अच्छा रोल मिला है। अंतिम लेकिन कम से कम श्रीकांत नकारात्मक भूमिका में क्रूर है, वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से भी सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अखंड कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया अपने शानदार अभिनय से सजोने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। कहानी काफ़ी नीरस है और सेकंड हाफ में हिंसा ज़्यादा है। अखंडा एक ऐसी फिल्म है जिससे दर्शकों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसा कि सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म को आए काफ़ी समय हो गया है, जनता निश्चित रूप से इसे मूवी को ज़रूर सपोर्ट करेगी और यह मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों आप इस मूवी को देख सकते हो। यह
तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार से हिंदी भाषा में देख पाओगे। दोस्तों जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की जाती है तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 में रिलीज हुई नंदामूरी बालकृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति श्रीनु ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नंदामूरी बालकृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेघा, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का म्यूजिक एसएस थामन के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों पेन मूवीज़ की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों पेन मूवीज़ वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। तो दोस्तों यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी टेलीविज़न पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर बालकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है, जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब समयग्रस्त हो जाते हैं जब वरदार जुलू श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण वरदार जुलू से भिड़ जाते हैं लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं तो अखंड बालकृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बल्लैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति श्रीनु ने डबल भूमिका में बल्लैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बल्लैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है।
अघोरा के रूप में बालैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है, चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बालैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की BGM भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है। सभी उन्नयन एपिसोड के लिए थमन का BGM। दोस्तों, साल 2021 में रिलीज हुई नंदामूरी बालकृष्णा की मच अवेटेड मूवी अखंडा को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अखंडा मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी ड्रामा एक्शन मूवी अखंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोयापति श्रीनू ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नंदामूरी बालकृष्णा, प्रज्ञा जायसवाल, समना कासिम, श्रीकांत मेघा, नितिन मेहता, जगपति बाबू, अयप्पा पी शर्मा, प्रभाकर, अविनाश, नागा महेश आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक SS थमन के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको तो पता ही होगा कि कितना जबरदस्त शानदार म्यूजिक देते हैं। इस मूवी का बजट 70 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया था। यह मूवी दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिला है। दोस्तों, अगर आपको यह मूवी तेलुगु लैंग्वेज में देखनी है तो Disney+ हॉटस्टार पर भी जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों, वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों, पेन मूवीज़ की तरफ से इस मूवी के ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन को खरीद लिया गया है और दोस्तों, पेन मूवीज़ वालों ने इस मूवी की हिंदी डबिंग शुरू भी करवा दी है। तो दोस्तों, यह मूवी बहुत ही जल्द हमें आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर हमें हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी टेलीविज़न पर भी और यूट्यूब पर भी। इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हमें पेन मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो इस मूवी के अंदर बालकृष्णन का नाम मुरली कृष्ण होता है, जो गुटग्रस्त अनंतपुर जिले में एक जाने माने लोगों के आदमी है। उनके क्षेत्र में हालात तब समयग्रस्त हो जाते हैं जब वरदार जुलू श्रीकांत के स्वामित्व वाली एक खदान गरीबों के लिए भारी समस्या पैदा करती है। मुरली कृष्ण वरदार जुलू से भिड़ जाते हैं लेकिन दुखी होकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गुंडे मुरली कृष्ण के परिवार के साथ अधिक तबाही मचाते हैं तो अखंड बालकृष्णा अघोरा के रूप में सभी को बचाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। यह अखंड कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कैसे सभी को बचाता है, यही अखंडा मूवी की कहानी है। दोस्तों, बात करें इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में तो एक लंबा समय हो गया है जब प्रशंसकों ने बालैया को एक शक्तिशाली अवतार में देखा है। उनकी खुशी के लिए बोयापति श्रीनू ने डबल भूमिका में बालैया को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाकर उन्हें एक पूर्ण भोजन प्रदान किया है। बालैया अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं लेकिन यह अखंड का चरित्र है जो प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है।
अघोरा के रूप में बालैया फिल्म में दूसरे स्तर पर है, चाहे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटेंस लुक हो, बालैया ठोस है और सभी को प्रभावित करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी संपत्ति थमन की BGM भी है। अगर थमन के लिए नहीं तो फिल्म वैसी नहीं दिखती जैसी उन्होंने दिखाई है। सभी उन्नयन एपिसोड के लिए थमन का BGM अद्भुत है। प्रज्ञा जायसवाल को एक अच्छा रोल मिला है। अंतिम लेकिन कम से कम श्रीकांत नकारात्मक भूमिका में क्रूर है। वह अपनी स्क्रीन उपस्थिति से भी सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अखंड कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बालैया अपने शानदार अभिनय से सजोने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। कहानी काफ़ी नीरस है और सेकंड हाफ में हिंसा ज़्यादा है। अखंडा एक ऐसी फिल्म है जिससे दर्शकों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसा कि सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म को आए काफ़ी समय हो गया है, जनता निश्चित रूप से इसे मूवी को ज़रूर सपोर्ट करेगी और यह मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप इस मूवी को देख सकते हो। यह तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार से हिंदी भाषा में देख पाओगे। दोस्तों जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट की जाती है तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।